नमस्कार दोस्तों, स्कूल कॉलेज से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यदि आप स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। इस खबर को जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। दोस्तों आपको बता दें, स्कूल कॉलेज कब खोलेंगे, साथ ही कब से आपका शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, साथ ही 2021 में नए एडमिशन की डेट क्या है, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, साथ ही साथ जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम शेयर कर दीजिए ताकि आपके राज्य में स्कूल कॉलेज से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको देंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। दोस्तों आपको बता दें, स्कूल कॉलेज से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ा बयान आया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि कब किन राज्यों में खोलेंगे स्कूल, पूरे राज्यों की लिस्ट बताने वाले। साथियों आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर के कारण 2 महीने से स्कूल कॉलेज बंद हैं और बोर्ड परीक्षा भी नहीं हो पाई है। इस बार 2021 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को बिल्कुल रद्द कर दिया गया है। धीरे धीरे कई राज्यों के रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। अब आपको बता दें, शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑफिशियल बयान देते हुए कहा है कि जैसे ही 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा उसके बाद तुरंत आपका नया शैक्षणिक सत्र को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि कोरोना की गाइडलाइन के साथ ही आपके स्कूलों को खोला जाएगा, जैसे कि 2 गज की दूरी स्कूलों में रखी जाएगी, मास्क जरूरी होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, शिक्षा मंत्री की नई SOP तैयार की जा रही है जिसके आधार पर आपके स्कूलों को क्रमबद्ध तरीके से खोलने का मोदी सरकार का फैसला है कि सबसे पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलेंगे और अभी से बोर्ड परीक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेज भी स्टार्ट कर दी गई हैं। राजस्थान, MP, UP, बिहार, झारखंड में ऑनलाइन क्लासेज पर जोर दिया जा रहा है, साथ ही इन राज्यों में 21 जून के बाद खुल सकते हैं स्कूल। वहीं दिल्ली, उड़ीसा और पंजाब में स्कूलों को 1 जुलाई के बाद खोला जा सकता है। साथ ही सबसे पहले 9वीं से 12वीं के स्कूल, उसके बाद 5वीं से 8वीं तक के स्कूल, उसके बाद कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा। तो आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं उसे भी कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, गुड बाय।